हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18 डी का क्वेश्चन नंबर यह है 7। तो इसमें हमें कोऑर्डिनेटरल बनाना है और इसका फिगर कैसे ड्रा होगा यही सीखेंगे। तो आइए ड्रा करते हैं इसका फिगर। तो आइए ड्रा करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर। बोला है कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला फिगर बनाना है। ध्यान से सुनिए, एक हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसके पास चार भुजाएं हो, मतलब फोर आर्म हो, उसे क्लोज फिगर बनाए, चार आर्म मिलकर, उसे हम चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, चतुर्भुज है ना, और जिसमें ए बी जो है बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के। मतलब इसमें जो है ए बी बी सी सी डी तीन आर्म ऐसे हैं जो बराबर है, सभी का लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर और एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल सी है 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रफ फिगर नहीं बनाएंगे, सीधा बनाएंगे इसका स्क्वायर वाला फिगर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है 4.4 सेंटीमीटर है, एंगल बी भी 4.4 सेंटीमीटर है, एंगल सी जो है 4.4 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि यहां तीनों आर्म सेम साइज के हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एंगल नहीं आर्म, आर्म एंगल नहीं आर्म। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे ए बी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी ये है ए, ये है बी, इसका लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर है ना, और ये है एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले एक आर्क ड्रा करेंगे और प्रीवियस आर्क को कुछ इस तरीके से कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको सेंटर मानेंगे, इसको कट करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, इसको कट करेंगे, तो इसको ले जाकर कुछ इस तरीके से मिला देंगे और इसको ले जाएंगे आगे तक जहां तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बी हो गया है 90 डिग्री का, एंगल बी हो चुका है 90 डिग्री का और एंगल सी है 120 डिग्री का। तो सी कितना लेंथ है, सी मतलब बी सी, ए बी बन के फिर बी सी यहां कहीं होगा, बीसी का भी लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर, यहां सेंटर मानेंगे और बी को सेंटर मानकर और 4.4 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर और यहां कट होगा लगभग यहां है ना, फिर ये बन चुका है सी बीसी। बीसी क्या है 4.4 सेंटीमीटर का है। अब इसी को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे, आर्क को फिर इसको एक बार में ऐसे कट करेंगे फिर दूसरे बार में ऐसे, क्योंकि हमें सी पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ठीक है, तो इसको मिला देंगे इससे, ऐसे मिलाएंगे आगे जाएगा है ना, बन चुका है। और 4.4 सेंटीमीटर ए बी, बी सी है 4.4 सेंटीमीटर, सी डी भी 4.4 सेंटीमीटर का होगा, तो यहां सेंटर मानेंगे 4.4 सेंटीमीटर पे कट करेंगे स्केल पे मतलब रूलर पे लेके। ठीक है, कट करेंगे तो ये भी 4.4 सेंटीमीटर बन चुका है। ये क्या है, सी है, ये है डी है ना, और इसको हम इससे मिला देंगे क्योंकि डी का लेंथ इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 4.4 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी, एंगल सी कहां है, ये 120 डिग्री का बन चुका है। ठीक है, ये 60 डिग्री यहां, या एक बार यहां से जाएगा फिर ये 60 डिग्री, ये 60 प्लस 60 120 डिग्री बन चुका है। ठीक है,
तो ये है फिगर। अब आई मुद्दे की बात, बात समझ में है तो वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, एंड बाय।